अब ये हमारे संग नहीं रह सकता, तुम नवा पैदा करते वही मन हमें मतलब छोड़ देंगे, तो हम ये पुराना विचारधारा से जैन हम एक साथ रहेंगे। देखते मारा पुराना। दूसरा रही बात पढ़े लिखे वो भी सही, जितना आतंकवादी नक्सलवादी जिन पैदा होते ये सब पढ़े लिखे आतंकवादी हैं, कोई इंजीनियर है नहीं देखो साफ इंजीनियर है, कोई आईएएस पढ़े हैं, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी है आतंकवादी, वही गुणवाना के घरों पढ़े लिखे मन आतंकवादी अढ़ा मन नहीं है, ये किसान मन कुछ नहीं लिखना, ये सब पुराना प्राचीन हमारे परंपरा में है, ये हमारे धर्म संस्कृति परंपरा है, गुणी संस्कृति परंपरा में है, हमारे गुण शास्त्र जैन नीति नियम कानून कायदा सब वही विचारधारा हम चलत, बाकी कोई दूसर चलत नहीं है, यही मना नया पढ़े लिखे मन हम पैदा हो गए काका पढ़े लिख कर डेढ़ तैयार बन के हमार ऊपर वो मना आओ नए नए कानून छोड़, जबकि वास्तव में यदि समाज के रक्षा करें जिन जिन कम पढ़े लिखे हैं उनखर से वो नुकसान नहीं है, उनखर से खतरा नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में खतरा है, जिन पढ़ लिख करके आज समाज में थोड़े के काम कर समाज ले आज आगे बढ़ाए छोड़ दें, समाज ले आज आगे पैसा वाले कैसे बनना चाहिए काम करे ले छोड़ के समाज ला आज देख ले हम खाए पिए छोड़ दें, 12 महीना हो गए लड़ी झगड़ा रोज बैठक 15 दिन 8 दिन है, यदि यही चीज ला को अच्छा विषय के लिए सोचते हैं आगे बढ़े पर तो बहुत बड़े काम कर सकते, दिन रात लखन का नींद नहीं आते सही कहना है, हाँ तो बड़े बड़े चीज छोड़ देते अपन समाज किसे आगे बढ़े समाज किसे टूटे, ये खाली यही यही परंपरा में यही नियम कानून में राज्य मानव बम बनावत दूसर के लिए समाज लोग उठाए खाते दूसर के समाज में गाली दे खाते दूसर के देवी देवता गाली देना अभद्र व्यवहार करना ककड़ाई देते गाली देना ककड़ो मानता देव गाली देना, अब सबसे श्रेष्ठ देव हमारे हैं, हम 5 तत्व मानते बाकी मन हर 5 तत्व नहीं माने, तुम बिना हवा के बिना पानी के बिना आगे के सब सिर्फ गोड़े मन हम ही मन मर सन 5 तत्व विचारधार है, अब बाकी मन है बिना 5 तत्व यू मन कथे गोवाना लैंड पूरा दुनिया में दक्षिण अफ्रीका से लेकर के यहाँ तक पूरा खाए पूरा गोण मन के राज्य के हम गोण के राज्य स्थापित करने का, तो क्या अंतर हुई इस्लाम और गोणवाना मन दोनों को विचारधारा है कि नहीं, यू मन कथे हम स्कूल खोल स्कूल खोल के सब पाठ पढ़ाबो, आज इकर सभा में जाबे दूसर समाज के लोगन मन सुन नहीं पता गाली बक धार्मिक भावना उन्माद फैलाते हमारा फलाने लूटे फलाने दुकान पहन इसे करी बनी इसे करी कायल इसे करी वो सीता ला बेचे तब के दर्जा देते फलाने कहाँ पैदा हुए वो तो रावण के वाइफ पत्नी बेटी ये तो फलाने और काका नहीं कहा येन शब्द ला हम कोई नहीं सुन सकता, कोई दुनिया का आदमी नहीं सुन सकता ऐसा नहीं धन शब्द प्रयोग कर, दूसरा बाढ़ साफ में भी चलत यहाँ के हिंदुस्तान के वैज्ञानिक पर ताप खोज करे वो धार्मिक भावना वो बल्ब के खोज फलाने करे इंजन के गाड़ी फलाने राकेट वो बनाए साइकिल वो बनाए फटफटी वो अमेरिका के बनाए इंग्लैंड के बनाए भारत के का बनाए वो जातिवाद बनाए वो धार्मिक बनाए ये प्रकार की मतलब हमारे देश के वैज्ञानिक ला हमारे देश के रहने वाला आदमी मन लग भी ये प्रकार के घिनौना कुछ समझते आते करना आपसे करना कहा चाहता कुल मिला के इस्लामिक कट्टरवाद और ये गुणमानक कट्टरवाद में कोई अंतर नहीं, आप ला बात बता जब कहीं कहीं हमला हो जब बड़े बड़े कार्रवाई होते बड़े बड़े हमला होते कहीं आतंकवादी इखर तार कहीं न कहीं जुड़े हुए मिला थे, आजकल अधिकारी मान जिसे करता नहीं के नक्सलवाद नक्सली नक्सली समझते
और ISI है, तालिबान है, मुसलमान दिन संगठन है, जिन कश्मीर में जिन पाकिस्तान ले आके भारत में सेना ऊपर बम फेंकते, गोला बारूद में हमला करते, इधर तार आपस में जुड़े हैं, कहीं न कहीं हिंदू हमारे गोड समाज मल्ला इन जीना मतलब अच्छा ढंग से रहना इधर इच्छा नहीं। ये प्रकार से इधर विचारधारा है ये ना समाज ल तोड़े के काम आज दिन इन करत आज प्रयास बहुत करें ये खो करके रही। एक पहली हम वहाँ अभी यहाँ कोई में फिर बैठक कर रहे हैं, कोई में बैठक करे बाद फिर वहाँ बैठक करे बाद कई बैठक हो गए इधर विचारधारा। अब 17 तारीख के बैठक के बाद पोस्टर एक निकाले तो 10 तारीख के कार्यक्रम है कहाँ कोडला में जिन में हमारे ऋषि राम जी घरों को माते थी है वो बताइए अपन विचारधारा का है वो गुणवाना के पूरे लिखा है और वहाँ ऐसे ऐसे अतिथि बुलाए हैं कि उमन हमें मतलब फिर गाड़ी नहीं उमन हमें मतलब पानी पी पी के फिर गाड़ी ता हम जयराम जिला अध्यक्ष बनाबो की तब स्वीकार कर ले रहे उमे चाहत रही है सब संगठन में हम ही मर रही हम जिसन कही थे बाकी मन कोंदा बोरो बरोबर हमारे पति पति चलो अब उमा वो अध्यक्ष बना दे तो बढ़िया है जिला में दूसरा बनाए तो नहीं वो बेकार है हमारे विचारधारक रहना चाहिए तो दो विचारधारा जिन आज चलत दो विचारधारा एक साथ नहीं चल सकते हर बैठक में लड़ाई झगड़ा हुई हम उमला छोड़त नहीं है वही मन हमारे छोड़ छोड़ के नया नया विचारधारा पैदा कर हमन पुराने विचारधारा में कोई भी आदमी ये मत कहना हम उमला छोड़े हैं हम उमला नहीं छोड़ते हैं भैया हमन बिल्कुल उमला नहीं छोड़ा था वही मन हमारा छोड़ छोड़ करके नया नया विचारधारा पैदा कर वही मन नया हाँ नया खोज कर रहे थे मोहन जोदड़ो से लेकर के वो कहाँ कहाँ जेन पुरातत्व उत्खनन में चाहे पचराही खोज सकते चाहे मोहन जोदड़ो हड़प्पड़ से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता हो जहाँ जहाँ खुदाई हो वो नवा नवा विज्ञान के खोज निकाल करके वही मन पैदा कर बताई तो नहीं बूढ़ा देख नाम से बड़ा देख नाम से होते वहू ला स्वीकार कर ले रहे चलो भाई बड़ा देव पांच संतोल मानत प्रकृति के कुहुल मान लें खींच देवता हम तो जंगल में कई खींच देवता मानत हर 10 मन कम है मानता मानसन नहीं 32 में 33 कोटि हो जाइए 36 कोटि हो जाए तब हो मान परंतु आपस में सामंजस्य रहना चाहिए दूसर के देवी देवता कब्र गली देना जी एक ही गांव में रहना एक ही समाज में रहना सब भाई बंधु रही अब आज हिंदू मुसलमान एक साथ रहने पर बाद भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उखर तीस त्योहार होते जिन गांव में रहते खड़ोदम जान तक संग मरते हमारे सगमन है उखर साथ मिलजुल के रख रहते हमारे देवी देवता त्योहार होते तो वहाँ मिलजुल के रहते तो ईमन तो मिलजुल के एक साथ रहे छोड़ करके ईमन हाँ वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहते आपस में लड़ाई आपस में कटाकट हो आपस में लड़ाई झगड़ा हो देवी ने तो गाली दे कौन सहन कर ये प्रकार से ईमन कट्टरवाद पैदा करना चाहते वो कट्टरवाद दिन भर में हम 17 तारीख के भोरम दिन देखे बताइए नहीं 17 रही हुई 50 जी के 100 जी रही हुई बाकी 80% बाकी अन्य समाज के रहना मानना शिखर ऊपर भारी पड़त रही चढ़े बैठत रही गाली देवत रही है वो लखन ला माँ बहन की गाली दे रही है तो एक उसे आग खड़ा हो रही आपने तमिल उमेर पीछे रहे तो अब शब्द बोली तब उससे आग खड़ा हो रही तो ये प्रकार से अभद्र शब्द के प्रयोग करना ये हमारे संस्कृति में नहीं है आज जिन विषय है कि हम उमला छोड़त नहीं है हम ही मल्ला छोड़ करके उन नवा नवा संगठन तैयार करते नवा नवा विचारधारा पैदा करते एक वजह से हमारे से उमन छुआ माना हमारे रांधे नहीं खबत हमारे रांधे गड़ेला उमन खबत नहीं है।